नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क हिंदी का करेंगे, क्लास 10 पार्ट 6 है, सितंबर 2021। स्कूल का नाम है महात्मा गांधी हिंदी हाई स्कूल। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। इसके तहत पहला प्रश्न, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, प्रस्तुत अंश के पाठ का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या प्रार्थना करते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत अंश के पाठ का नाम आत्मत्राण है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि की प्रार्थना इस प्रकार है, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अगला प्रश्न है, वह चले झोंके कि कांपे हिम कायावान भूधर, प्रस्तुत अंश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत अंश के रचनाकार अलाहाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत अंश में कवि ने प्रकृति के प्रकोप को प्रतिबिंबित किया है। प्रचंड आधी तूफान में विशाल पर्वत कांप उठता है। यहां पांच पांडवों में महाबली भीम के शरीर सा भूधर अर्थात पर्वत को बताया गया है। अगला है 3 नंबर, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, यहां किसकी स्मृति साफ होने की बात कही गई है? उत्तर, यहां लहना सिंह की स्मृति साफ होने की बात कही गई है। इस अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए व्याख्या पर चलते हैं। नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह को लेफ्टिनेंट साहब के वेश में जर्मन जासूस ने जांग पर गोली मारी, फिर 70 जर्मन सैनिकों के हमले में उसके पसली में दूसरी गोली लगी और मृत्यु के करीब पहुंच गया। मरने से पहले की मूर्छा में उसे समस्त घटनाएं जीवन की फिल्म की रील की तरह याद आने लगी। उत्तर पूरा होगा। चौथा प्रश्न है, मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली, प्रस्तुत अंश के लेखक कौन है? उत्तर, प्रस्तुत अंश के लेखक हेनरिक सेंकेविच है। दूसरा प्रश्न, वह बदनसीब कौन था? उत्तर, वह बदनसीब नन्हा संगीतकार था जिसे उसकी माँ चेंजलिंग कहकर बुलाती। तीसरा प्रश्न, उसकी जान कैसे चली गई? उत्तर, हुआ यूं, किसी अमीर के बंगले में रखा वायलिन को जब वह बजाने गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पीत से इतना पीटा गया, सजा के रूप में बेचारा तड़प तड़प कर अगले रोज शाम को दम तोड़ दिया। पूरा हुआ उत्तर।
पांच नंबर, किसके बिना संशय की गांठ नहीं छूटती है? उत्तर, राम के बिना संशय की गांठ नहीं छूटती है। अगला प्रश्न है, रैदास जी ने किन किन रूपों में अपने प्रभु से अपने संबंध की व्याख्या की है? रैदास जी ने जहां एक ओर खुद को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा, सोना और दास माना है, वहीं दूसरी ओर प्रभु को क्रमशः चंदन, बादल, चांद, दीपक, मोती, सुहागा और स्वामी माना है। इन्हीं रूपों में रैदास जी अपने प्रभु से अपना संबंध प्रकट किए हैं। मित्रों, ये जो शब्द है सोना और यहाँ पर सुहागा, ये आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से मैं नहीं बोल सकता ये सोना अपने लिए बोल रहे हैं या सुहागा बोल रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने सर से ये कॉन्टैक्ट करके जान ले, या फिर आप इसे छोड़ दें, वरना इन दोनों कारण आपका पूरा उत्तर गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दो का एक, बिस्मिल्लाह खान के चरित्र की और एक बात अगर आप सर से पूछ ले और पता चल जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोना क्या खुद के लिए बोल रहे हैं या सुहागा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा दुविधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान के चरित्र की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिससे आप बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। उत्तर, बिस्मिल्लाह खान के चरित्र की जिन तीन विशेषताओं ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया वे निम्नलिखित हैं। पहला, बिस्मिल्लाह जी का सरल सहज जीवन। बिस्मिल्लाह खान या आला के मात्रा होगा और ह भी होगा, बिस्मिल्लाह यहाँ ह होगा भैया, प्रश्न दीजिए, प्रश्न नहीं है पर आप ख्याल रखिएगा, अगर ह होगा अब दे दीजिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह जी का सरल सहज जीवन। बिस्मिल्लाह खान ला की मात्रा तो जरूर होगा, यहाँ पर ला नहीं है। बिस्मिल्लाह खान से जब एक शिष्या ने कहा, बाबा अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमत न पहना करें, इस खान साहब इस पर खान साहब मुस्कुराकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको चन्हैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इस तरह का सरल सहज जीवन था उनका। दूसरा, साधना रत जीवन। सहनाई के प्रति अपना आजीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। किसी एक के प्रति उनका समर्पण मुझे प्रभावित किया। तीसरा, सभी धर्मों के प्रति सद्भाव। मुहर्रम पर्व में पूरे 10 दिनों तक सनाई नहीं बजाकर शोक मनाना हो, मुहर्रम के महीने में ही सनाई नहीं बजाते थे, तो ये 10 दिन नहीं है, हटा दीजिएगा। मुहर्रम पर्व में बस इतना ही रखिए, मुहर्रम पर्व में सनाई नहीं बजाकर, हाँ दिनों हटा दीजिए, मुहर्रम पर्व में सनाई नहीं बजाकर शोक मनाना हो, या फिर हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक कार्यक्रम में भाग लेना, अथवा सहनाई का प्याला विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर बजाना, उनका सभी धर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा व सद्भाव मुझे प्रभावित किया। संक्षेप में कहूं तो बिस्मिल्लाह खान का व्यक्तित्व ही ऐसा है
उनसे प्रभावित हुए बिना कोई बच ही नहीं सकता। सद्भाव एवं सादा जीवन और उदार विचार के लिए सादा जीवन और यहाँ पर उदार विचार के जीवंत उदाहरण है। उत्तर पूरा हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 का 2। पहली बार धूमकेतु को देखने के पश्चात हेली ने क्या भविष्यवाणी की थी? क्या उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई थी? चलिए उत्तर देखते हैं। आइजक न्यूटन के मित्र एडमंड हेली ने 1682 ईस्वी में स्वयं एक धूमकेतु को देखा। उन्होंने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इनमें 76 और 75 साल का अंतर पाया। उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचा, धूमकेतु एक ही है या है होगा जो हर 75-76 साल बाद प्रकट होता है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि मेरी बात ठीक है तो 76 साल बाद 1758 ईस्वी में यह धूमकेतु पुनः प्रकट होगा। और सचमुच हुआ। तो अगला प्रश्न है, क्या उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई थी? देखते हैं। झलक तो पहले मिल ही गया। हेली की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। सचमुच ही 1758 ईस्वी में आकाश में वह धूमकेतु प्रकट हुआ। उत्तर पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर 2 का 3। कर्मनाशा की हार नामक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है तथा इस कहानी के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, कर्मनाशा की हार नामक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम भैरव पांडे है। इस कहानी के लेखक का नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद चौधरी मेरा नाम है। अच्छा लगा। 2 का 4। कहते हैं ना, आपको एक लिस्ट दे दिया जाएगा हजारों लाखों लोगों का, नामों का, लेकिन जैसे ही अपना नाम आता है ना, चेहरा खिल उठता है। अपना नाम सबको प्यारा होता है, इसलिए किसी का नाम लेकर ही पुकारना चाहिए। रा रे या किसी भी तरह से दूसरा नाम देकर पुकारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद को अच्छा नहीं लगता, दूसरे को ऐसा अच्छा लगेगा। खैर, 2 का 4। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करो। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद में सफल होने के लिए वह स्वयं संघर्ष करेंगे। इसके लिए उन्हें भगवान से यह कामना कदाचित नहीं है कि सामर्थ्यशाली भगवान उनके काम को अंजाम दे दे। अब 3 नंबर प्रश्न है, अपने विद्यालय में आयोजित निर्मल विद्यालय अभियान विषय पर एक प्रतिवेदन लिखिए, अधिकतम 150 शब्दों में। चलिए देखते हैं। निर्मल विद्यालय अभियान, कल्पना करके लिखा जाता है, पर यहाँ पर मित्रों जैसे मैं लिखा हूं, अगर आप इसे समझ जाएं, इनको शब्दों को याद कर लें, तो आप सहज ही इस तरह के प्रतिवेदन लिख पाएंगे। चलिए कर देखते हैं। निर्मल विद्यालय अभियान, महात्मा गांधी, इसकी जगह आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, हिंदी हाई स्कूल द्वारा दिनांक 21/10/2021 को विद्यालय को निर्मल बनाने के लिए सर्वेक्षण हेतु एक अभिभावक, एक पाड़ा प्रतिवासी
और पांच शिक्षक गण सहित आठ सदस्यों की उप समिति ने विद्यालय में निरीक्षण करने के बाद अनुभव, तथ्य तथा प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला, इससे कहा जा सकता है कि एक नंबर, लगभग पांच कक्षाओं में स्वेच्छा से गंदगी फैलाया गया है, गंदगी फैलाई गई है। इसके लिए विद्यार्थी जिम्मेवार हैं। दूसरा, जितने फूलों के पौधे लगाए गए थे उनमें से एक भी बचा नहीं है, उन्हें या तो तोड़ दिया गया है या उखाड़ दिया गया है, एक भी बचा नहीं है, नहीं है, बिंदी नहीं होगा। तीसरा, योजनाबद्ध निर्माण और अन्य योजनाएं अधूरी हैं, परिणामतः गंदगी फैली है, मच्छरों ने डेरा डाला है। चौथा, शौचालयों में बहुत दिनों से सफाई आदि का कोई प्रबंध नहीं है, परिणामतः बीमारियों के कीटाणु फैल रहे हैं। पांचवा, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं किया जाता। जैसा कि 150 शब्दों में लिखना होता है, देख रहे हैं आप, उससे ज्यादा ना हो तो ये पॉइंट जो है हेडिंग थोड़ा कम कर दे तो हो जाएगा। मुझे एहसास हुआ उसके बाद मैं छोटा करना चालू कर दिया हूँ। देखिए यहाँ तक उत्तर से आपका, समिति के सुझाव, सभी तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सर्वप्रथम समिति यह जो अनुभव करती है कि विद्यालय को साफ सुथरा, व्यवस्थित तथा सुविधा संपन्न बनाए रखने का जो दायित्व विद्यालय के संबंध विभाग है उसे पूरा किया जाए। अगला है, समिति का निर्णय या अभिमत। समिति का मानना है कि यह विकट स्थिति विद्यालय प्रशासन तथा विद्यार्थियों की लापरवाही से ही निर्मित हुई है, अतः इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। विद्यार्थियों से स्वच्छता तथा सुचारू व्यवस्था संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। अध्यक्ष में हस्ताक्षर नहीं रहेगा, समिति सचिव हस्ताक्षर, समिति संयोजक हस्ताक्षर, और अगर अध्यक्ष उपस्थित है तो हस्ताक्षर लिख भी सकते हैं। तो ये रहा आपका, प्राय अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहते पर वहाँ हस्ताक्षर लिख दीजिएगा, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप अपने विद्यालय में आयोजित निर्मल विद्यालय अभियान, इसमें एक प्रतिवेदन लिखे कैसे हुआ है। कई तरह से हम प्रतिवेदन लिखते हैं, तो ये विद्यालय का है, इस तरह से आप लिखिएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसी के साथ शायद आपका उत्तर, हाँ जी हाँ, हो गया। एक बार फिर से हम लट के दिखा दें सबको, 3, 2 का 4 तक था आपका, पूरा हुआ। मॉडल एक्टिविटीज, महात्मा गांधी हिंदी हाई स्कूल क्लास 10। आपको भी कोई प्रश्न पत्र करना हो अपने स्कूल का, 7980044540 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, ठीक है।